83 लाख नजबंदी, 1 लाख से अधिक गिरफ्तारी, मीडिया पर हमला, संविधान से खिलवाड़, ये सब हुआ था उस काले दौर में जिसे ये देश आपातकाल के नाम से जानता है। 25 जून 1975 ये वो तारीख है जब भारतीय गणतंत्र की हत्या कर दी गई, क्योंकि गांधी परिवार से उसकी कुर्सी नहीं छूट रही थी। 15 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी को चुनाव में धांधली का दोषी ठहराया और उनका चुनाव रद्द कर दिया, और यहीं से शुरू हुआ षड्यंत्रों और सत्ता के दुरुपयोग का वो सिलसिला जो 21 महीनों तक चलता रहा। इमरजेंसी के दौरान विपक्ष की आवाज घोटने के लिए सभी बड़े नेताओं को जेलों में ठूंस दिया गया। जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेताओं को जेलों में डालकर जनता के विरोध को दबाने का प्रयास किया गया। बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के 1,40,000 से अधिक लोगों को जेल की यातना सहनी पड़ी। इमरजेंसी का सच दबाने के लिए मीडिया पर कठोर सेंसरशिप लगा दी गई, अखबारों को बंद कर दिया गया, रेडियो स्टेशनों पर ताला लग गया। तानाशाही की इंतहा यहीं तक नहीं थी। इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान संविधान में कई संशोधन किए। 42वें संविधान संशोधन ने संसद को असीमित शक्तियां दे दी और न्यायपालिका को कमजोर कर दिया। इंदिरा गांधी ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए हर हथकंडा अपनाया था। जबरन नसबंदी ने इस तानाशाही का एक भयानक चेहरा जनता को दिखाया। गांव के गांव घेर कर पुरुषों की नसबंदी करा दी गई। कई पुरुषों की संक्रमण के कारण मौत तक हो गई। सत्ता पाकर अंधा हो जाना और जनता को अपने पैरों की जूती समझना कांग्रेस की फितरत रही है। जब जब गांधी परिवार के हाथों में ताकत आई है, तब तब उसने उसका इस्तेमाल सच की आवाज को दबाने और साम दाम दंड भेद से उस ताकत को बनाए रखने की कोशिश की है। इमरजेंसी इस देश के लोकतंत्र पर कांग्रेस द्वारा लगाया गया वो दाग है जो हमेशा कांग्रेस की तानाशाही, अत्याचार और सत्ता की भूख की याद जनता को दिलाता रहेगा।